हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं बेटा, ट्वेल्थ में जो आपका डिलीटेड पोर्शन आया है, जो सिलेबस कट चुका है 30% बेटा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपके जो चैप्टर हैं उनमें टोटल मिला के 6 यूनिट है। उस फर्स्ट यूनिट में आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें चैप्टर इंक्लूड है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 1 में क्या नाम है बेटा उसका, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें जो आपके टॉपिक डिलीट हुए हैं वो ये है कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ये आपका आता है एक्सरसाइज 1.3 में। इसका मतलब है आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटली कट हो गई है, ठीक है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपका ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएगा। ये आपका ग्राफ जो है आपको पहले दे रखे हैं स्टार्टिंग में, वो ग्राफ आपने नहीं करने। उसके बाद सेकंड टॉपिक है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज भी आपको नहीं करनी है बेटा, ठीक है। ये कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, ये आपके टॉपिक है। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक एक्सरसाइज कट गई है, पूरी एक्सरसाइज नहीं कटेगी। तो इसलिए बेटा ये खाली टॉपिक ध्यान रखने हैं आपको, इसमें ग्राफ नहीं आएगा और ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। यूनिट नंबर 2 है एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या है बेटा, चैप्टर नंबर 3 और 4 आता है। चैप्टर नंबर 3 आपको पता ही है मैट्रिसेस है। अब इस मैट्रिसेस में क्या नहीं आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज ए जीरो मैट्रिक्स। अगर प्रोडक्ट जीरो हो दो मैट्रिक्स का, ऐसे बेटा दो मैट्रिक्स है मान लो ए बी, ए बी इक्वल टू जीरो और उसमें मैट्रिसेस जीरो नहीं है, जो दो मैट्रिसेस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जब आपका प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। इसके बाद आपका नहीं आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, जो आपका एक्सरसाइज 3.4 में है। ये एक्सरसाइज 3.4 कट हो गई है बेटा। इसी से रिलेटेड आपके ये भी है प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, ये भी आपका कट चुका है। ये इसमें जो प्रूफ आता था यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये है यूनिकनेस तो आपको इसका प्रूफ देना है, ये वाला प्रूफ अब नहीं आएगा। अब इसके बाद चलते हैं चैप्टर 4 की ओर। हाँ तो बेटा, अब मैं आपको चैप्टर नंबर 4 बता रही हूँ, जो यूनिट 2 में ही आता है एलजेब्रा में। इसमें चैप्टर नंबर 4 का नाम है डिटर्मिनेंट, जिसमें से क्या कट चुका है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये टॉपिक डिलीट हो गया है, तो इसका ये एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज कट होगी बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से ही रिलेटेड है। और इसके बाद आपका जो टॉपिक है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द एग्जांपल, ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज से रिलेटेड है बेटा, एक्सरसाइज 4.6 से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो इसमें से ये टॉपिक आपको कट करने हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, जो यूनिट नंबर 3 में है। यूनिट नंबर 3 है आपकी कैलकुलस। इसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर है इसमें बेटा। अब तक ये चैप्टर आपके 48 मार्क्स के आते थे, जो पहले पेपर होता था उसमें ये पांचों चैप्टर मिला के आते थे आपके। अब इसमें चैप्टर 5 आपका नाम है इसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें से जो कट हुआ है वो है रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ बेटा एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो ये है आपका एक्सरसाइज 5.8, ये आपकी एक्सरसाइज 5.8 पूरी कट हो गई है बेटा। अब इसके बाद चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ द क्या है बेटा, डेरिवेटिव्स। इसमें क्या कट हुआ है आपका, कौन सा डिलीटेड पोर्शन आया है, वो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, जो आपका एक्सरसाइज 6.1 में है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कट हो गई, एक्सरसाइज 6.1 यूज ऑफ द डेरिवेटिव इन द अप्रोक्सीमेशन, ये है एक्सरसाइज 6.4 में बेटा। ये एक्सरसाइज 6.4 में, तो ये पूरी एक्सरसाइज कट हो गई है आपकी 6.1 और 6.4। इसके बाद है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल। इंटीग्रल में ये वाला टॉपिक आपका गया है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, जब आपको इंटीग्रेशन करना होगा या आपका ऐसे करके आता है ये एंड करके है,
और इस टाइप का ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टू टाइप की जो दिख रही है आपको बेटा, इस टाइप का इंटीग्रेशन नहीं आएगा जो आपका एक्सरसाइज 7.7 में है, ठीक है। इसके बाद कटा है आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, ये आपकी एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीटली कट हो गया बेटा, इसमें यही क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, क्लियर है। तो चलते हैं अब हम आगे चैप्टर नंबर 8 की तरफ। अब बेटा हम यूनिट 3 की बात कर रहे हैं कैलकुलस, जिसमें आपको बताए 5 चैप्टर है, चैप्टर नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए थे हमारे 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 8 चैप्टर में क्या है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल जो है उसकी आपको स्टेटमेंट में प्रॉब्लम दे रखी है, उससे पहले आपने उसको क्या बनाना है इंटीग्रेशन की फॉर्म बनानी है और उसके बाद वहाँ पे एरिया निकालना है। तो इसमें क्या कट हो गया टॉपिक, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व, दो कर्व के बीच में जो भी एरिया निकालना होता था वो वाला आपका पोर्शन डिलीट हो गया, ठीक है बेटा। अब इसमें ये एक्सरसाइज 8.2 में है इस टाइप के क्वेश्चन बेटा, तो पूरी कट नहीं है, जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है टू कर्व से वो वाले कट हो गए हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जो आपका डिलीटेड पोर्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हूज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, तो ये है आपकी बेटा एक्सरसाइज 9.3 है। और इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये वाली टाइप कट हुई है बेटा, इसके आपके क्वेश्चन बिल्कुल कम है आपकी एक्सरसाइज में, ये वाली टाइप इसकी एक और टाइप है एक्सरसाइज 9.6 में, ये वाली dy by dx plus py equal to q, ये वाली आपकी बेटा कट नहीं हुई है, यहाँ पे p और q ये आपका स्मॉल भी हो सकता है ये कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है बेटा। अगर ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होगा और अगर यहाँ कैपिटल लिखोगे तो ये भी कैपिटल होगा, ये वाला आपका इस टाइप का क्वेश्चन कट नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन कट होगा जब ऊपर dx by dy यहाँ px की फॉर्म होगी, अगर py की फॉर्म है तो ये वाला बेटा कट नहीं हुआ है, ये सिलेबस से कट नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है, ये वाला ये कट हो चुका है, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है, तो इसको आपने करना है, ये आपके सारे क्वेश्चन कटनी हुए हैं। जब मैं रिलेटेड लिख रही हूँ जिस एक्सरसाइज को तो इसका मतलब वो पूरी एक्सरसाइज कट नहीं हुई है बेटा, ये ध्यान रखो, इसमें ये केवल 2-3 क्वेश्चन ही हैं इस टाइप के आपके, वो कट हुए हैं इस टाइप के, और बाकी ज़्यादा क्वेश्चन dy by dx की फॉर्म के है प्लस py इक्वल टू q के है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर, यूनिट 4 है हमारी वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और इसमें अब कौन से चैप्टर आते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 है आपका वेक्टर्स, वेक्टर में जो टॉपिक कट हुआ है ये है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आपका एक ऐसे टॉपिक था, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आपको गिवन है इसमें एनसीईआरटी में, ये बस आपका एक टॉपिक है, ये आपको नहीं करना है, ये आपका बेटा जेई मेंस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, ये आपका अब कट हो गया है सिलेबस से। अब इसके बाद है चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसमें जो क्वेश्चन कट हुआ है टॉपिक जो है आपका वो है एंगल रिलेटेड, एंगल है आपका बिटवीन द टू लाइंस या टू प्लेन्स या ए लाइन एंड ए प्लेन, इसके बीच में एंगल फाइंड करना होता था, जिसके हमारे पास दो ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 में, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, जो ये क्वेश्चन है आप देख लेना इनको, ये दो क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में भी है, तो एंगल जब भी फाइंड करना होगा वो नहीं आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 और 6 की तरफ, टोटल आपकी 6 यूनिट है और चैप्टर है आपके 13। अब यूनिट 5 में आपका आता है बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें केवल एक ही चैप्टर इंक्लूड है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब इसमें से क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, ये डिलीट हुआ है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग अनबाउंडेड। जब बेटा आप जैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे, 11th में आपने ग्राफ ड्रॉ करे हैं 6 चैप्टर में, तो उसमें क्या था लीनियर इनइक्वालिटी थी आपकी, और लीनियर इनइक्वालिटी से क्या करते थे आप, जैसे ये मान लो दो लाइनों का आपका ग्राफ आया तो आप शेडेड करते थे, अब शेडेड क्या है कई बार तो इस तरफ आ जाता था, और कई बार क्या होता है जैसे इस पोर्शन में आपका शेडेड आ गया, ये पोर्शन आपका शेडेड हो गया या ये पोर्शन शेडेड हो गया। अब ये क्या है जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये बाउंडेड दिख रहा है बेटा, अगर इसके अंदर शेडेड आता है ये बाउंडेड दिख रहा है इधर से, लेकिन अगर आपका शेडेड इस तरफ आ गया
जो आपकी सारी लाइनें हैं उनका शेडेड पोर्शन अगर बाहर की तरफ आ गया तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? अनबाउंडेड। जब अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन होगा वो नहीं आएगा। ये आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 4, 9 और 10, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है आपका 3। बेटा ये क्वेश्चन आपके कट हुए हैं, बाउंडेड वाला आएगा, अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद है यूनिट नंबर 6 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपका जो टॉपिक कट हुआ है वो है आपका मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके बेटा दोनों टॉपिक जो है एक्सरसाइज 13.4 में है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कट हो गई है एक्सरसाइज 13.4। ये था बेटा आपका नया सिलेबस 2020 और 21 का। अब इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपने अपने मैथ के सिलेबस को रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। ओके बाय बाय। हाँ बेटा एक बात और रह गई है, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो आपका लिंक जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। Oh, 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 oh